यह है दोस्तों जो अमरेश्वर महादेव का कुंड है उसमें काफ़ी दोस्त स्नान कर रहे हैं और देख सकते हो काफ़ी भीड़ है और सभी को आपको बाय भी कर रहे हैं लोग। चलो आपको दिखा देते पूरा और एक बार चारों ओर घुमा के। दोस्तों कभी भी जब भी आए तो नहाने के लिए और एंजॉय करने के लिए पिकनिक मनाने के लिए बहुत शानदार जगह है। ऊपर देखो आपको दिखा रहा हूँ क्लियर झरने आ रहे हैं बड़ी स्पीड से, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो बड़ा आनंद साथ में अठकेले खेल रहे पानी के अंदर, आपको दिखा देते हैं क्लियर। इधर भी नीचे महिला जनाना वाला है जो पानी जा रहा है, इधर उस साइड में जनाना कुंड है वो महिला इस साइड में नहा रही है। चारों इधर से आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ आकर के लोग पिकनिक मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। स्नान करने के बाद में ऊपर जो शिव जी का अमरेश्वर महादेव मंदिर है वो वहाँ जा कर के दर्शन करते हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। लिखा होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी आता रहता है पहाड़ों में से इस लिंक के ऊपर, आप देख सकते हो क्लियर। किसी प्रकार का कोई पानी की व्यवस्था नहीं है लेकिन पहाड़ों के ऊपर से पानी ऑटोमेटिक आ रहा है और शिवलिंग पर ही आकर गिर रहा है वो पानी। और भी काफ़ी अंदर हिंदू आस्था का प्रतीक है, बहुत सारे देवी देवता की मूर्तियाँ अंदर ही पहाड़ है, ये गुफा है, एक तरह से गुफा के अंदर ही मंदिर। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुना पत्र वगैरह लगा के किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो काफ़ी हमारे देश में ऐसे मंदिर हैं लेकिन ये मंदिर एक विशेष है, अमरेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर जो जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है, बाई ट्रेन से भी आ सकते हो आप लोग। और काफ़ी पुराना मंदिर है, और भी दूसरे सब बहुत सारे नज़ारे दिखेंगे आप लोगों को। खूबसूरत नज़ारा अमरेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर, काफ़ी लोग इधर अभी पर्यटन के तौर पर दर्शन करने के लिए आए हुए। आज श्रावण का सोमवार भी है तो श्रावण के मास में महादेव मंदिर की बड़ी आस्था के साथ में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, चारों ओर हरियाली, बहुत शानदार नज़ारा, आप भी एक बार देख सकते हैं आकर के। अभी चलेंगे हम उस चोटी पर जो अमरेश्वर महादेव मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए अभी चलेंगे, थोड़ी देर में आपको जब तक बने रहे। श्री राम जानक धाम मंदिर है ये, और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर पानी के बड़े बड़े कुंड हैं। कुछ लोग जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी लोग यात्री आए हुए हैं इधर, आ भी रहे हैं जा रहे हैं, आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे, बने रहे जब तक पूरा वीडियो। अब चलते आगे की ओर। यह मंदिर जो सवाई माधोपुर है रणथंभौर सेंचुरी उसी के अंदर है। तो हम आ चुके हैं ऊपर महादेव मंदिर में, यहाँ पे एक कुंड है, ऊपर की तरफ पुरुषों का कुंड है जो ऊपर से झरने आ रहे हैं और नीचे की तरफ जैसे पानी जा रहा था जनाना कुंड है। थोड़ा सा बता देते, बाकी पूरा वीडियो नहीं बताएंगे महिलाओं का। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी ऊपर पहाड़ों पर आ चुके हैं, चारों ओर हरियाली है और सामने जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है वो है सोरवाड़ बांध, बहुत बड़ा बांध है, उसमें भी पानी आ चुका है काफ़ी। कितना शानदार दृश्य है, ये अमरेश्वर महादेव मंदिर है। श्रावण का सोमवार है इस वजह से आज काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, नौजवान साथी कुंड में नहाने का बड़ा आनंद ले रहे हैं, आपको दिखाएंगे। और भी ऊपर चलेंगे, मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। ऊँची ऊँची चट्टाने हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में ये मंदिर है। और अभी बरसात का श्रावण मास चल रहा, तो श्रावण मास में काफ़ी झरने अभी चल रहे हैं यहाँ पे। इधर भी दिखा देते हैं, क्योंकि हिंदू आस्था के अंदर श्रावण के सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, उसके दर्शन करने के लिए आते, तो एक उनको बहुत बड़ा फल सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए हर शिव मंदिर के में सभी लोग बड़ी आस्था के साथ में दर्शन करने आते हैं। लेकिन ऐसी विशेष जगह बहुत कम देखने को मिलेगी जो सवाई माधोपुर के अरावली पर्वत श्रृंखला जो रणथंभौर सेंचुरी और रणथंभौर जो किला है उसके पास में ये हैं, उसी रोड पे हैं, सवाई माधोपुर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। बहुत शानदार दृश्य, और भी आगे जाके हम दिखाएंगे इसमें।
अब हम आ चुके हैं ऊपर मंदिर की तरफ, धीरे धीरे रुक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद में आपको अमरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाएंगे। यहाँ से कुंड एक बार और दिखा देते हैं, नीचे का नज़ारा बहुत शानदार दृश्य है। यह है रणथंभौर सेंचुरी के अंदर है, सामने गुफा दिख रही है बाघ की। एकदम ऊपर चट्टान है। अब आ चुके हैं, ये मंदिर काफ़ी पुराना है, लगभग पहाड़ों के बीचों बीच में है। किसी तरह का कोई मंदिर नहीं है, बनावट नहीं है, चूने खतरा कोई काम नहीं है, एक गुफा के अंदर है वो ये भी मंदिर। और ऊपर से देखो झरने, कितने ज़ोरदार झरने आ रहे हैं अभी। चलते हैं मंदिर के दर्शन करवाते हैं। उसमें सर महादेव शिव जी का मंदिर है, झरनों से पानी गिर रहा नीचे। अब ये मंदिर एकदम गुफा में है, आप देख सकते हो क्लियर। ये चट्टान आ चुके एकदम, ये पहाड़ है ऊपर, आपको दिखा देता हूँ, एकदम ऊपर पूरा पहाड़ है। अब पहाड़ के बीचों बीच ये पूर्व राजस्थान की मीणा संस्कृति पोशाक पहना भाई, आपको दिखा देता हूँ। ये सामने देखा इसके अंदर है शिव जी, वो अमरेश्वर महादेव मंदिर है, दर्शन करवा देता हूँ। ये दोस्तों मुख्य मंदिर शिव जी का मुख्य दोस्तों आपको ले आए राम जानकी मंदिर, जो अमरेश्वर महादेव मंदिर में है। यहाँ एक बाबा है तो उनसे पूछा कि ये साइड में किसकी है, तो ये रामदास जी महाराज की मूर्ति है। उसके बाद में एक साइड में और भी है, सत्यनारायण जो बाबा थे यहाँ के, तो अभी वर्तमान में बाबा यहाँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं राम जानकी मंदिर की। हाँ जी बाबा, अच्छा तो ये मंदिर इसी बाबा जो सत्यनारायण दास जी बाबा है, इन्होंने ही बनवाया था ये राम जानकी मंदिर, जो राइट हैंड में है अमरेश्वर महादेव मंदिर से थोड़ा सी दूर है वो, जबकि अमरेश्वर महादेव मंदिर एक गुफा के अंदर है, एक सेंचुरी है, चारों ओर अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच। दोस्तों अगर कभी समय मिले तो श्रावण मास जो बरसात के समय में, एक बार यहाँ आकर के यहाँ का लुत्फ़ ज़रूर उठाए, क्योंकि बहुत शानदार यहाँ का सीन है, देखने लायक है, काफ़ी लोग आते हैं। अभी हम राम जानकी मंदिर से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और अभी नीचे की तरफ चलेंगे तो हो सकता है कुछ आपको ऐसे जीव जंतु जानवर भी दिखा दे इस सेंचुरी के अंदर, तब तक बने रहना। चलो